हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बाबा और मैं खेलता है वीडियो गेम्स। भाई आप सबका दिल से स्वागत करता है सैटिस्फैक्ट्री में। भाई फुंत्रु से मिलो, फुंत्रु आप सबको कह रहा, अरे फुंत्रु चाय नहीं पीनी भाई, हेलो कर दो, सबको हेलो कर रहा है। और उसी के साथ भाई आज मैं बता रहा हूँ, आज एपिसोड 20 है और आज का एपिसोड धांसू होने वाला। धांसू क्यों होने वाला? क्योंकि आज हम मेगा बिल्ड करने वाले हैं भाई। मेगा बिल्ड नहीं करने वाला है, बिल्ड करने वाले हैं, लेकिन वो मेगा होने वाला है क्योंकि भाई हमें चीज़ें ही इतनी चाहिए होंगी। हम भाई मेरा बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर बीत गया है तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ। मेरे को बनानी है भाई हैवी मॉड्यूलर फ्रेम बनानी है, हमें 3 हैवी मॉड्यूलर फ्रेम पर मिनट पे चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये एक चीज़ ऐसी है जो मुझे अब इस पॉइंट पे चाहिए ताकि मैं अपना गेम को आगे बहुत बढ़िया तरीके से प्रोग्रेस कर सकूं। इसको बनाने के लिए अगर हम देखें तो इसमें ये चीज़ें मांगता है। 8 ये चीज़ें लग रही हैं मॉड्यूलर फ्रेम, 10 ये वाला चीज़ लग रही है इंडस्ट्रियल बीम, 36 स्टील की पाइप मांग रहा, 22 कॉन्क्रीट मांग रहा। भाई साहब मजे ही मजे, साले कुछ ज़्यादा ही मांग रहे हो तुम, पर ठीक है इसको प्रोवाइड करेंगे, हम इसको प्रोवाइड करेंगे। अभी मैं इसको प्रोवाइड करने के लिए एक सोच रहा हूँ कि एक अलग से एक फैक्ट्री डाली जाए जहाँ पर ये सारी चीज़ें बनाई जाए। अब आप लोग कहोगे कि भाई कुछ लोग जो पुराने देखते आ रहे हैं सीरीज़ को, वो कहेंगे भाई बाबा तुम इतना क्यों बना रहे हो, तुम्हारी इस वाली फैक्ट्री में ये सारी चीज़ें बन तो रही हैं। मैं आपको एक बार चेक भी करा देता भाई, इधर अगर हम आए ऊपर को चढ़े भाई, चढ़ जा बेटे आज में चढ़ जाओ, ठीक है भाई। यहाँ पे हम काफ़ी ज़्यादा कॉन्क्रीट तो बना रहे हैं लेकिन जितनी एक्स्ट्रा चीज़ें बना रहे हैं ना, मतलब ये जो स्टील की पाइप्स बन रही हैं और ये जो चीज़ें, इन सबको यूज़ भी कर रहे हैं भाई। अगर आप ऊपर देखोगे तो ये सारी चीज़ें ऊपर जा रही हैं और काफ़ी मशीनें ऊपर जाके इनको यूज़ कर रही हैं, और ये इतने लेवल पे नहीं बन रही है कि ये 3 को स्टेबली प्रोड्यूस कर पाए, कि हम जब मॉड्यूलर फ्रेम बना पाएँ तो ये सही से काम कर पाएँ। ये बहुत कम लिमिटेड अमाउंट में निकल रही हैं और अपने को बहुत ज़्यादा मांग रहा भाई। तो उसी के हिसाब से मैंने कर ली है सारी की सारी कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन में यार बहुत टाइम लगता है तो मैंने पहले से ही करके रखी है कितना कितना क्या क्या चाहिए। और अगर आपको दिखाऊं मैं तो भाई बहुत कुछ चाहिए होगा। देखो अगर आपको ये दिख रहा होगा भैया मैंने पेपर पे सब कुछ लिख लिया है, मेरे को ये सारी की सारी आइटम्स चाहिए। अब दिख रहा होगा भाई पेपर पर मैंने सब कुछ लिख लिया है और ये सारा का सारा आइटम हम धीरे धीरे करके बनाएंगे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस चीज़ के बिना बनाओगे तो आपकी स्टार्टिंग में तो काम कर जाएगी मशीन, उसके बाद फिर आपके पसीने छूट जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा भाई कि आपको किस चीज़ की कमी हो रही है और किस चीज़ की नहीं हो रही है। तो धीरे धीरे करके इनका फैक्ट्री का लेआउट करते हैं। सबसे पहले काम करते हैं, अपना इन्वेंट्री खोलते हैं भाई। इन्वेंट्री खोलने के बाद सॉर्ट करते हैं और इसको डिलीट कर लेते हैं क्योंकि मेरे को ये चीज़ें चाहिए होंगी, इनके मटेरियल चाहिए होंगे भाई, ठीक है। ये वापस आ गए हमारी उसमें इन्वेंट्री में, और इन्वेंट्री में और थोड़ी सी जगह बनाते हैं भाई, कुछ एक्स्ट्रा जो हमें चाहिए नहीं फिलहाल के लिए हम इनको डिलीट कर देते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी का सामान जल्दी से अपनी जेबों में भर के लाते हैं और एक जगह लेआउट डिसाइड करते हैं जहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें बनानी होंगी। प्लीज़ 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 कैलकुलेशन को हल्के में मत लेना, वरना आप इंजॉय नहीं कर पाओगे भाई गेम। पहले खेलो, पहले एक बार जब समझ आ जाएगी कौन सी मशीन कैसे कैसे काम करती है उसके बाद थोड़ी सी कैलकुलेशन पर ध्यान देना, वरना अटक जाओगे भाई। अपन आयरन को स्कैन करते हैं और जो सबसे पास वाला आयरन देखते हैं कि भाई कहाँ कहाँ पर। देखो इन पर दो नोड पर हम मतलब फैक्ट्री बना रखी है तो इस पर टिक मार्क आ गया, इधर दिखा रहा है मेरे को एक आयरन का नोड खाली पड़ा हुआ है। अपने को ऐसा चाहिए कि आसपास काफ़ी ज़्यादा आयरन होना चाहिए, वहाँ पे हम फुल ऑन एक फैक्ट्री डालेंगे जो सेल्फ सफिशिएंट होगी और हमें 3 मॉड्यूलर फ्रेम बना के देगी। चलो भाई चलो, कहाँ है? एक तो ये रहा भैया, 2 नोड है, बहुत बढ़िया 2 नोड। अरे साला इम्प्योर है भाई, ई कौन सा है, ई कौन सा है भाई, ये नॉर्मल है, ठीक है। एक उधर भी है, उधर क्या सीन है एक बार चेक करके। अरे बेटे छेड़ने का नहीं हो रहा, तुम दूर रहो हमसे, हम अभी काम कर रहे हैं, हम अभी दिमाग लगा रहे हैं। साला पीछे पड़ गया, मुझे लग रहा साला वहीं से मार रहा है, ठीक है हम आगे चलते हैं। हमें ये चीज़ देखनी है कि भाई हमें आयरन कहाँ कहाँ से मिल रहा है। इधर भी पड़ा भाई, ठीक है मुझे लग रहा है यहाँ पे सही रहेगा हमारा सेटअप, क्योंकि यहाँ 2 नोड हैं आयरन के और मुझे ये वाले नोड भी शायद आयरन के ही लग रहे हैं। एक बार चेक करते हैं आयरन है या कॉपर है, भैया आयरन हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। और लेट्स गो गाइस, आयरन मिल गया हमें, ये आयरन ही है तो ठीक है, हमें समझ आ गया। ओ प्योर, बहुत बढ़िया, इसको चटकाना पड़ेगा वरना ये दिमाग खराब कर देगा। ए इधर आओ भाई, ए इधर आओ, ए भागने की नहीं हो रही भाई, ठीक है इसको चटका दिया। अब आगे जाके हम दिमाग लगाना शुरू करते हैं भाई, ठीक है। एक आयरन का नोड यहाँ है, एक आयरन का नोड यहाँ है, इम्प्योर है, ठीक है। 4 नोड हो गए हमारे यहाँ आयरन का हमारी दिक्कत हो गई शॉर्ट। हम क्या करेंगे, हम अपनी फैक्ट्री जो है वो सेटअप यहाँ करेंगे, ठीक है। और उससे पहले मैं एक और चीज़ करके देखना चाहता हूँ, मैं ये चीज़ देखना चाहता हूँ कि हमें कॉपर कितनी दूर है हमारी। कॉपर 300 मीटर की और 200 मीटर की दूरी पर, ठीक है यार कॉपर भी पास ही है। एक बार कॉपर का फिर भी नोड देख के आते हैं नोड कौन सा है, और फिर यहाँ पर बनाना शुरू कर देंगे भाई।
वेरी नाइस। यहाँ पे कॉपर का नोड है और कॉपर के नोड के साथ साथ ये बलवंत राय का कुत्ता घूम रहा है। बलवंत राय के कुत्ते भाग जाना थे, साला भाग के डर के। ठीक है, ये है नॉर्मल कॉपर ओर। और एक और देखा था ना भाई, एक और कहाँ है तुम्हारा? एक ही है, एक तो ये हो गया और एक यहाँ है। ठीक है ठीक है, इधर है ये रहा। एक यहाँ पे और उसी के साथ साथ भाई माफ कर दे भाई, अपने को सिर्फ कॉपर चाहिए, अपन यहाँ से कॉपर निकाल लेंगे नॉर्मल ऐसा। हाँ मुझे लग रहा था कि साला कहीं से तो आवाज आ रही है बेटे तेरी। ठीक है, इसको चिटका दिया। ठीक है, दो यहाँ पे हमारे कॉपर हो गए, बहुत बढ़िया। हम कॉपर यहाँ से निकाल लेंगे जब हमें चाहिए होगा। और फिलहाल के लिए ना फाउंडेशन डालना शुरू करते हैं भाई, कुछ धासू सी फैक्ट्री बनाते हैं और बहुत मजे लेते हैं भाई। अरे लग जा भाई, जूम फीचर में डाल के थोड़ा सा इधर खींचेंगे और थोड़ा सा हम इसको उधर खींच देंगे ऐसे करके। ठीक है, और ऐसे कर करके अब हमें एक लेआउट बनाना है, और लेआउट बनाने के साथ साथ हमें कुछ ऐसा भी देखना है कि भैया इसकी। ठीक है, यहाँ तक लेके आ गए, अब हम यहाँ पे एक वो लगा देंगे चढ़ने का सिस्टम विस्टम, ताकि हम चढ़ाई बढ़ाई कर सके। और बाद में इसकी प्रॉपर हम जगह बनाएंगे भाई, रैंप वैम्प सिस्टम बनाएंगे ताकि हमें ईजी पड़े। भाई पेपर नहीं उड़ना चाहिए, पेपर उड़ रहा, पेपर उड़ गया तो अपने लेने के देने पड़ जाएंगे। बहुत दिमाग लगा के भैया कैलकुलेशन की है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई, यहां से बनाना शुरू करते हैं थोड़ा सा और। ठीक है, ऐसा करके बनाना शुरू करते हैं। ये हमारी फाउंडेशन होगी, हम इसके ऊपर बनाएंगे भाई सब कुछ। बाद में अगर मुझे लगेगा कि मैंने कुछ ज्यादा ही बना दिया तो मैं डिलीट कर देगा उसे, तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई। अपनी अपनी गेम है, अपनी अपनी फैक्ट्री है, जहां मन करेगा वहां लगाएंगे, जहां मन करेगा वहां डिलीट कर देंगे भाई। ठीक है गाइस, सो हमने थोड़ा सा और ले लिया भाई यहां हिसाब किताब। मुझे लग रहा है इतना काफी होगा भाई, इतना मतलब विड्थ वाइज और लेंथ वाइज बहुत होगा। एक्स्ट्रा ही बना रहा हूं मैं, बट बड़ा बना लो इंस्टेड ऑफ छोटा बना के फिर पैनिक करोगे भाई अपने पास जगह कम पड़ गई। ओ, अब जगह कम पड़ गई हमारे पास, वो कम पड़ गया भाई, आयरन की प्लेटें कम पड़ गई। कोई दिक्कत वाली काम नहीं है, अपन क्या करेंगे जल्दी से जाके आयरन की प्लेटें लेके आएंगे भाई। ठीक है, ये बढ़िया है भाई, ये मुझे चक्कर लगाने पड़ेंगे भाई, 3-4 चक्कर लगाने पड़ेंगे तभी जाके हमारी फैक्ट्रीज जो है वो काम करना शुरू करती हैं बढ़िया तरीके से। बट हाँ, हमें चीज़ें लेके आनी पड़ेंगी। हम एक काम और कर सकते हैं कि हम अपने लिए एक ट्रक बना लें, एक एक्स्ट्रा ट्रक। हम ऐसे ही बना सकते हैं भाई ट्रक। हाँ भाई, इतना सामान पड़ा हुआ था, हमने अपने लिए एक ट्रक बना लिया और ट्रक में बैठ के अपन जा रहे हैं अपनी फैक्ट्री। और फैक्ट्री में पहुंच के बेसिक फैक्ट्री में पहुंच के मतलब बेसिक बेसिक जो सामान चाहिए होगा हम उस ट्रक में डालेंगे और वो सामान इधर लेके आ जाएंगे। एक कॉपर की और इधर भी थी हमारे पास। ठीक है कोई नहीं, इसको बाद में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब हम हैवी ड्राइवर हो रहे हैं भाई, काफी हैवी ड्राइवर हो रहे हैं अपन। ओ ये भी बढ़िया भाई, ऊपर फाउंडेशन पे अगर आपने ट्रक चढ़ा दिया तो उस पर वो पड़ जाते हैं टायरों के निशान पड़ जाते हैं। ठीक है, अपन यहाँ आए, अपन ने देखा यहाँ पे क्या क्या पड़ा है। इस वाले डब्बे में कुछ नहीं पड़ा भाई, इसमें क्या क्या पड़ा है, इसमें ये पड़े हुए, तो अपन ने क्या किया थोड़े बहुत ये ले लिए, अपना यहाँ सॉर्ट किया। और सॉर्ट करने के बाद हम इस ट्रक में आए, ट्रक में आने के बाद हमने आई चढ़ने की नहीं हो रही भाई, हमने इसका इन्वेंट्री, अरे साला क्या कर रहे हो भाई, अच्छा इधर से हमने इसकी इन्वेंट्री खोली। और इन्वेंट्री खोलने के बाद हमने क्या किया, जितना हम एक्स्ट्रा सामान लेके आए थे वो सब इधर रख दिया। ठीक है, और क्या पड़ा भाई इसमें, इसमें अगर इधर देखें तो इसमें हमारे पास आयरन की प्लेटें पड़ी हैं जो हमारे पास अभी एकदम से कमी पड़ गई थी जिस चीज़ की, हम वो भी भर देते हैं भैया। ठीक है, हमने आयरन की प्लेटें भर दी और भर देते हैं भाई। A few moments later. ठीक है गाइस, मुझे जो जो इस फैक्ट्री से सामान उठाना था वो सामान मैं उठा के लेके आ गया। मेरी जेबें बहुत भर चुकी हैं और हमारी इसके ट्रक भी भर चुका है भाई, फुल ट्रक भर चुका है। तो एक काम करते हैं, ट्रक को ड्राइव करके लेके चलते हैं हम अपनी नई फैक्ट्री की जगह पर और वहाँ इसको पार्क कर देंगे। इसको हम बेसिकली एक मूवेबल इन्वेंट्री की तरह इस्तेमाल करेंगे भाई। ठीक है, ओ ओ ओ, ओ गड़बड़ हो जाएगी। आगे पहाड़ ही पहाड़ है भाई, आगे का इलाका थोड़ा सा गड़बड़ है, तो अपन क्या करेंगे इधर से शॉर्टकट मारेंगे। ठीक है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया, चलते रहो। थोड़ा सा स्टंट करेंगे और स्टंट करने के बाद इधर भी आयरन का भाई, मजे ही मजे। ठीक है भाई, मजे ही मजे भाई, मजे ही मजे।
ये देखो भाई चिरान कांग आए चिरान हट गया और चिरान हट गया। ठीक है गाइस हमने क्या किया अब ये ट्रक लेके अरे ये वाला साला बड़ा वाला घूम रहा है रुको भाई ए इधर आइयो जरा इधर आइयो ये देखना हमने नई हेडलाइट लगाई है भाई देखियो कैसी है। ठीक है बहुत बढ़िया हमने हेडलाइट दिखा दी इसको और उसके बाद हम पहुंच गए हैं अपनी नई डेजिग्नेटेड जगह पे जहां पे हम हैवी मॉड्यूलर फ्रेम बनाएंगे इस ट्रक को करेंगे यहां पे पार्क कुछ ज़्यादा ही बेस्ट तरीके से पार्क। अरे हो जा भाई खड़े आज में। ठीक है इस ट्रक को हमने कर दिया है यहां पे पार्क हम पहुंच गए हैं भाई अपनी डेजिग्नेटेड जगह में और एक काम करते हैं साथ ही साथ यहां पे एक लगा देते हैं भाई रैंप ताकि हमें चढ़ने में ईजी पड़े। अपन ने क्या किया भाई अपन को रैंप लगाना भाई अरे लगा दो बे आज में लगा दो क्या कर रहा भाई ये जिंदगी में क्या चाहते हो तुम। ठीक है हमने एक रैंप लगा दिया अपने लिए अब हमें चढ़ना वढ़ना ईजी पड़ेगा और उसी के साथ साथ इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं भाई इसको हटा देते हैं अभी फिलहाल के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने रैंप लगा दिया अब हमें इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई। साथ ही साथ हमने जितना ये बन सकता है उतना बनाते हैं भाई स्पीड में। ठीक है गाइस इजी वाला पार्ट हमने कर लिया भाई हमने बहुत बढ़िया तरीके से अपनी लेआउट बना लिया अब थोड़ा सा काम करते हैं भाई अब मेन काम करते हैं जो हम बनाने हैं। हम चाहते हैं कि ये जो मैन्युफैक्चर है हमारा ये 24 घंटे काम करता रहे और इसमें ये वाला पार्ट बनता रहे भाई 24 घंटे बनता रहे। इस पार्ट को बनाने के लिए हमें ये सारी चीज़ें चाहिए। ठीक है तो एक काम करते हैं सबसे पहले स्टील की पाइप के लिए काम करना शुरू कर देते हैं भाई। स्टील की पाइप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमारी बहुत जगह लग रही है तो भाई मैंने कर लिया सारी की सारी कैलकुलेशन अब उन कैलकुलेशन को यूज़ करते हुए ज़रा फैक्ट्री डाल देते हैं अपनी। यहाँ पर आके हमने लगाई सबसे पहले तो स्टील की इंगेट्स बनाने के लिए एक फैक्ट्री जिसमें हमें बनानी है चार। अपन ने लाके भैया यहाँ सीधी सीधी ऐसे करके लगा दी। ठीक है हमने यहाँ लगा दी ये बनाएंगे हमारी चार स्टील की इंगेट्स नॉइस वेरी वेरी नॉइस। अब इनको क्या करना होगा इनको एक बार ज़रा सा वो दे जाते हैं स्टील के इंगेट्स बनाने के लिए। देखो ये 45 पे यहाँ पे अपना ये निकाल देंगे हमने कॉपी किया हमने पेस्ट किया उसके बाद हमने इस पर भी पेस्ट किया हमने इस पर भी पेस्ट कर दिया। हमें 180 आयरन पहुँचाना है यहाँ तो जल्दी से 180 आयरन पहुँचा देते हैं। हमारे पास दो हैं यहाँ पे ये है इम्प्योर ये है प्योर। अब अपन प्योर वाले से पहले निकालते हैं फिर बाद में अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इम्प्योर वाले से निकाल लेंगे। ठीक है गाइस हमें ज़रूरत है 180 की। हम नीचे आए हमने यहाँ पे इसको सेटअप कर लिया इस टाइप से कि यहाँ पे 180 निकलेगा। हमें पहुँचाना भैया आयरन को ऊपर एक बार ऊपर जाके कन्वेयर बेल्ट लगा देते हैं और फिर देखते हैं कि कहाँ से हमें आयरन ऊपर लेके आना है। ठीक है भाई हम यहाँ आए हमने आने के साथ साथ हमने देखा एक काम करते हैं यहाँ पर लेके आते हैं सामान। ठीक है हमने यहाँ एक स्प्लिटर लगा दिया उसी के साथ साथ हमने एक स्प्लिटर यहाँ लगा दिया सही लगा रहा हूँ ना एक स्प्लिटर यहाँ लगा दिया और उसी के साथ साथ भैया यहाँ लगा दिया लग जा भाई आज में लग जाओ। ठीक है हमने यहाँ पे स्प्लिटर्स लगा दिए और उन्हीं के साथ साथ अब इनमें कनेक्शन भी दे देते हैं। हमें क्या करना हमने आई से करके कनेक्शन दे दिया हमने आई से करके कनेक्शन दे दिया। ठीक है ये कनेक्शन दे दिया इधर आए इसको कनेक्शन दे दिया। ठीक है भाई इन सब का हमने कनेक्शन यहाँ पे दे दिया। साथ ही साथ एक काम करते हैं ये जो साइड वाले हैं इनका भी कनेक्शन देके चलते हैं बाद में इनको भी लगा देंगे। ठीक है हमने क्या किया ऐसे करके यहाँ पे स्प्लिटर्स लगाया भाई ऐसे करके लगा दिया यहाँ पे हम आए हमने आके यहाँ पे एक लिफ्ट लगाई और लिफ्ट को हमने ऐसे करके कनेक्शन दे दिया तो ये भी इनका भी कनेक्शन बनता गया। ठीक है भाई इनका भी कर देते हैं जल्दी से और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमने इन सब के स्प्लिटर्स लगा दिए और उसी के साथ साथ भैया इन सबको कर दिया हमने कनेक्ट इस तरीके से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा अगर हम दो आराम से कर लेंगे भैया इनके बस सिर्फ अब हमें मेन मेन चीज़ें लेके आनी है और इनमें डाल दिए ये अपने आप ही डिवाइड हो जाएंगे सब के सब। ठीक है कनेक्शंस कर दिए कनेक्शंस के बाद अब इनमें सामान जो है वो हम यहाँ से ले आएंगे। ठीक है एक हम यहाँ से लेके आ जाएंगे इसका इसका सामान यहाँ से आ जाएगा भैया और इस वाले का थोड़ा सा आगे से आ जाएगा यहाँ कहीं से आ जाएगा। ठीक है हमने क्या किया इसमें आके इसमें भी आके हमने ऐसे करके यूं लगा दिया और उसी के साथ साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया। कनेक्टेड है ना भाई अंदर से कनेक्टेड हो ना भाई हेलो हेलो आवाज़ नहीं आ रही तुम्हारी मुझे लग रहा है कनेक्टेड है। ठीक है ये ऐसे करके आ गया तो दैट मीन्स ये कनेक्ट हो गया अगर नहीं होगा तो इसको डिलीट करके फिर से बना देंगे। ठीक है भाई साथ ही साथ इसको भी बना ही देते हैं जो इसने क्या बुराई की है भाई इसको बना दो भाई हमने ऐसे करके इसको बना दिया थोड़ा सा अच्छे से बनाएंगे ऐसे नहीं बनाना भैया हमेशा फैक्ट्री बनाओ तो अच्छी बनाओ एक दो तीन तीन पे जाके ये बढ़िया तरीके से लग गया। यहाँ पे हमने इनकी कनेक्शंस कर दी अब इसमें हमें देना भाई आयरन आयरन दे देते हैं भाई किसी में भी आयरन दे दो ये इसमें दे दो उसमें दे दो बात सेम है हम इस वाले में दे देंगे। इधर आ जाओ भैया इधर आ जाओ हमें आयरन वहाँ से लेके आना है। हमने क्या किया हमने आई से किया ठीक है जी और साथ ही साथ हमने क्या किया हमने ऐसे किया
एक ये भी तो है हमारे पास, ओ ये भी तो है, और ये भी तो है भाई सिस्टम, ये सिस्टम क्यों नहीं इस्तेमाल करता हूँ, ये सिस्टम तो, ये सिस्टम बाद में, ये सिस्टम बाद में ऐड किया है उन्होंने। ठीक है भाई, एक काम करते हैं, ये इस सिस्टम से बनाते हैं, इस सिस्टम से बनाते हैं और देखते हैं कि कैसा बनेगा। इस पे आके ओ ओ वेरी नाइस वेरी नाइस। ठीक है भाई, इस पे लग जा, इस पे लग जा बेटे, लग जाओ सही में, सही सही से लग जाओ। अरे बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया, ये चीज तो, ये चीज नहीं पता थी भाई मुझे। ठीक है, अपन ने क्या किया, ये इस्तेमाल करने शुरू कर दिए और उसी के साथ साथ हमने ऐसे करके इसके ऊपर पहुंचाना भाई। अब इनको कनेक्ट करना है, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है यहाँ। ठीक है, हमने यहाँ करके देखा और उसी के साथ, ओ परफेक्ट परफेक्टो। ठीक है भाई, यहाँ हमने ऐसे करके लगा दी और उसी के साथ साथ ऐसे करके लगाई, गजब 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 गजब। बस थोड़ी सी और हम इसको बेटर कर सकते हैं। हम इसको कैसे बेटर कर सकते हैं, हम इसको ऐसे बेटर कर सकते हैं, हम ऐसे करके लेके आएंगे और इसमें जोड़ेंगे, वेरी नाइस वेरी नाइस। हम इसको डिलीट करेंगे और इसको डिलीट करेंगे यहाँ से और इसको लगा देंगे भाई, ओ वेरी नाइस वेरी नाइस। यहाँ से हमारा आ जाएगा आयरन, आयरन का हमने यहाँ से बंदोबस्त कर दिया बहुत तगड़ी तरीके से। ठीक है, अब जो है हमें कितना आयरन लेके आ रहे हैं यहाँ से, एक बार चेक करें, 180 था कुछ, है ना, 180 आयरन था। अब हमें चाहिए 180 कोल, कोल ढूंढते हैं भाई, कोल कहाँ है आसपास, कहीं कोल होना चाहिए वैसे तो, अगर नहीं होगा तो दूर से लेके आना पड़ेगा। कोल भैया, कोल, हेलो कोल, हेलो, ओ ओ भाई सब बहुत ही दूर दूर है ये तो, कोल तो नाइस। यहाँ पे हमारे पास ये भी है लाइमस्टोन, लाइमस्टोन को भी इस्तेमाल करेंगे जल्दी। ई का है, इस पे क्यों लगा के छोड़ गया हूँ, ओए इस पे प्योर प्योर वाले पे लगा के ऐसे ही छोड़ के गया हूँ मैं। ठीक है भाई, ब्लूप्रिंट पे क्यों हूँ मैं, ब्लूप्रिंट पे नहीं होना। अपन ने इसको डिसमेंटल कर लिया और उसी के साथ साथ हम भाई इधर ही कहीं हैं अपना, कहाँ है भैया कहाँ है। ठीक है, यहाँ से हम ये भी ले जा सकते हैं भाई, तो ये है हमारा कोल भाई। एक नोड खाली पड़ा है और दो नोड का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, नॉर्मल नोड है। एक बार इस पे माइनर लगा के देखते हैं कि कितना निकल रहा है, हमें 180 कोल चाहिए किसी भी हालत में, हमें 180 कोल दे दो भाई। अपन 180 कोल लेने आए हैं, हमें 120 ही मिल रहा है। एक बार इधर इधर चेक करें कि ये दो कौन से चरांद जो काम कर रहे हैं, ये कितने पे काम कर रहे हैं, ये भी नॉर्मल पे कर रहे हैं भाई, ये वाला नॉर्मल है और ये वाला कौन सा है भाई, ये वाला कौन सा है, ये वाला कोल भी नॉर्मल है, सब नॉर्मल पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें एक काम करना पड़ेगा, इसको ओवरक्लॉक करना पड़ेगा हमें, और इसको ओवरक्लॉक करके हम यहाँ ये लगा देंगे, भैया हमें इसको 180 करा दो भाई किसी तरीके से। ठीक है, 1 ओवरक्लॉक पे 180 हो जाएगा, बहुत बढ़िया तरीके से हम यहाँ से कोल लेके जा सकते हैं। अब हमें रास्ता देखना पड़ेगा कि हम कैसे लेके जाएं, हमें भाई जो चीज़ है वो जो कोल है अपने को वहाँ पहुँचाना है। ठीक है भाई, हमने ऐसे करके एक फाउंडेशन लगा ली समझो, हाँ कुछ इस टाइप से, ऐसा वहाँ तक पहुँचाना किसी तरीके से, हम इसको लेके चलते हैं, देखते हैं कि जहाँ तक सीधा सीधा जा सकता है वहाँ तक सीधा सीधा लेके चलते हैं, अगर कहीं को घुमाना पड़ जाएगा तो हम उसको घुमा भी देंगे। ठीक है भाई, अपन यहाँ तक आए, आने के साथ आई से करके लेके चले इसे, सही है सही है। मेरे को लग रहा बीच वाली पहाड़ियों में, अरे साला अटक जाएगा क्या यहाँ, ये दिक्कत देगी भाई, ये वाली पहाड़ी थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है, हाँ थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है भाई यहाँ। जे हम यहाँ आए, आने के साथ साथ अब हमें क्या करना है, अब हम एक काम करते हैं, ऐसे करके लेके जाएं इनको, थोड़ा सा ऐसे करके लेके चलते हैं, नहीं नहीं ऐसे में भी एक आगे से लेके चलते हैं, दो डिलीट करके यहाँ से लेके चलते हैं भाई साहब, हमने लेफ्ट मार लिया समझो यार। ठीक है, हमने यहाँ लेफ्ट मार लिया और उसी के साथ साथ हमने ऐसे करके यूँ लेके गए, इसके नीचे ये है, इसके नीचे दिक्कत आ सकती है क्या, एक बार चेक करें, हाँ इसके नीचे दिक्कत आ सकती है, अगर हम यहाँ पे एक वो लगाएंगे माइनर लगाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी, तो उसको भी दिमाग में लेके चलना चाहिए भाई, आए से कुछ मत बनाओ जो बाद में दिक्कत दे। हम थोड़ा सा और साइड से ले जाएं, हाँ अगर इस साइड से लेके जाएंगे तो मुझे नहीं लग रहा कि दिक्कत आएगी, है ना भाई, इधर से आ सकती है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार हम माइनर जो है लगा के देख लेते हैं भाई, माइनर 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 माइनर, ओह माइनर जो है वो लग रहा है बहुत ही परफेक्ट, उसमें लग रहा है, उस पर नहीं लग रहा, मतलब क्लिप नहीं कर रहा है। ठीक है, बहुत सही है, ये सही है जगह, हम लाल इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमारे पास इंग्रेडिएंट नहीं है बनाने के लिए।
ठीक है भाई, अपन ने लाए यहाँ पे, और उसी के साथ साथ अब यहाँ पर दिक्कत आएगी भाई। यहाँ पर थोड़ा सा हमें ऐसे करके इसको लेके जाना पड़ेगा। हमने वो कहाँ देखा था, हमने लाइमस्टोन वाला कहाँ देखा है, हमने लाइमस्टोन वाला यहाँ देखा है। तो अगर हम लाइमस्टोन वाला लेके आएंगे इस पर, ठीक है भाई, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। ठीक है, अगर मैं लाइमस्टोन वाला वहाँ से लेके आऊँगा तो लाइमस्टोन वाले को लेफ्ट साइड पे लेके जाऊँगा, अगर उधर से आएंगे हम तो लाइमस्टोन वाले को इधर से लेके आएंगे। तो दैट मीन्स अब हमें इसकी जो डायरेक्शन है वो थोड़ी सी और घुमानी पड़ेगी भाई, थोड़ी सी और इस तरफ को करनी पड़ेगी, और उसी के साथ साथ हमें इस तरफ को लेके आना पड़ेगा ये। ठीक है भाई, कुछ इस टाइप से। ठीक है भाई, अब जो है अब खींचते जाओ भाई, अब खींचते जाओ, अब रुकने की नहीं है भाई एक बारी। अब हमें क्या करना, अब हमें सीधी बन रही है ना, सीधी सीधी बनना भैया, सीधी सीधी बनना। हमेशा जहाँ से अगर आपको मोड़ना हो ना, वहाँ से दो स्टेप पीछे चले जाओ। हमें समझ लो यहाँ से मोड़ना है, एक और दो स्टेप पीछे चले गए, और फिर दो स्टेप पीछे चलने के बाद हम यहाँ आए, हमें यहाँ से मोड़ना है, एक और दो स्टेप पीछे चले गए, और फिर यहाँ से हमने मोड़ दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही सही आ रही है भाई, अलाइनमेंट बिल्कुल सही सही आ रही है, और उसी के साथ साथ ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आन दो आन दो। और गाइस ये देखो, हम यहाँ आए, हमने यहाँ लाके ये किया, इसको डिलीट किया क्योंकि ये टेस्टिंग था। इसको डिलीट करने के बाद तुम्हारे भाई ने बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट लेके आ गया भाई वहां से। यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक होगा भाई, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, बट इसको हम सही अब गिरने की नहीं हो रही थी, गिरने की नहीं हो रही थी। ठीक है कोई नहीं, इसको इसको सही करते हैं, इसको सही करते हैं, इसको ये सही हो जाएगी, ये तो ऐसी सही हो जाएगी। ठीक है, इसको सही कैसे करेंगे, इसको यहाँ आए, और इसका सही करने का इलाज ये है कि हमने इसको थोड़ा सा खिसका देना। ठीक है भाई, इसको ऐसा किया हमने, अरे तुम डिलीट हो जाओ भाई फिलहाल के लिए, तुम डिलीट हो जाओ, और तुम ऐसा करके एक काम करो ना, तुम अगर सीधी सीधी में भी लगोगे तो तुम ले लोगे ना ये, हाँ तो ऐसे लग जाओ, बहुत बढ़िया। तो तुम्हारे गाइस ने गाय तुम्हारे भाई ने भाई बना दी भाई, आखिरकार बना ही डाली। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको इसको लगे रहने दो, बाद में अगर हम लाइमस्टोन वाइमस्टोन लेके आएंगे तो यहाँ से कर लेंगे। अब हमें क्या करना है भाई, अब हमें इसको वहाँ तक लेके जाना है। अब वो कैसे करना है वो हमारे ऊपर है, हम इसको यहाँ से भी ऐसे करके लेके वहाँ जा सकते हैं, या इधर से भी लेके आ सकते हैं, और फिर इसको ऐसे कर सकते हैं। मेरे को लग रहा है कि स्ट्रेट स्ट्रेट ही ले चलते हैं। ठीक है, हमने यहाँ ऐसे किया, यहाँ ऐसे किया, और बेल्ट को हमने ये आए हम यहाँ से, ठीक है, हम इसमें लेके आ रहे हैं, सही है, हमने यहाँ जोड़ा, हमने यहाँ से, हमारे पास मटेरियल खत्म हो गया था इस वजह से अपन बना नहीं पा रहे थे, हमने यहाँ पे आके बना ली भाई, उसी के साथ साथ हमने बेल्टें कंप्लीट कर ली। वेरी वेरी नाइस, हम कोल भी लेके आ गए। अब हम कोल लेके आ गए, इसमें से आयरन निकलेगा, इसमें से कोल निकलेगा, और दोनों बढ़िया बढ़िया तरीके से हमें 180 का हमें क्या दे देंगे भाई, यहाँ पे अगर आए के देखेंगे हमें दे देंगे ये इंगेट। हमारे पास 180 के इंगेट आ जाएंगे। इंगेट से हमें क्या बनाना है, इंगेट से हमें बनाना है एसपी, एसपी बनाना है, स्टील की प्लेटें बनानी है। इस डायरेक्शन में लेके जाते हैं इसको, यहाँ से मर्जर निकालते हैं, एक लगाया मर्जर हमने, ठीक है, मर्जर लगाने के बाद हमने इसको मर्जर को इस डायरेक्शन में लेके चले कि इसमें से जो सामान आएगा वो इसमें निकलेगा, इसमें से जो सामान आएगा वो इसमें निकलेगा, फिर इसमें से जो सामान आएगा वो सब इसमें कनेक्ट हो जाएगा, और इस वाले को कनेक्ट करके हम इस डायरेक्शन में ले जाएंगे। ठीक है, और इनको सबको कनेक्ट कर दो। अब ये फैक्ट्री में चलाऊंगा तब जब मेरी सारी मशीनें बन जाएंगे भाई, क्योंकि हम कैलकुलेशन पे कर रहे हैं ना, कैलकुलेशन बेस पे कर रहे हैं, तो हमारी सारी की सारी परफेक्ट ही काम करेंगी। ठीक है, अपन ने यहाँ किया, अपन ने यहाँ किया, उसके साथ साथ हमारी 180 की जितनी स्टील की इंगेट्स हैं वो यहाँ आ जाएंगी 180 की। ठीक है भाई, ये जो बेल्ट है हमारी 180 की स्टील की इंगेट पर आ जाएगी। फिलहाल के लिए तुम डिलीट हो जाओ, और तुम डिलीट होकर लग जाओ भाई, यहीं कहीं लग जाओ, अभी हमारे आँखों के सामने से हट जाओ, क्योंकि यहाँ पे हमें बनानी है चीज़ें। अब हमें यहाँ पे बनानी है कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर हमें बनाने दो जगह, एक जगह हमें चाहिए होंगे 80 स्टील की प्लेटें, और एक जगह हमें चाहिए 36 स्टील की प्लेटें। ठीक है, हमने लगाए कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर कैसे लगाएंगे, कंस्ट्रक्टर को हम कुछ इस टाइप से लगाएंगे, हमने इस टाइप से बनाए, और इस टाइप से लगा दिए हमने चार यहाँ लगा दिए, और उसी के साथ साथ थोड़ी सी गैप दे के हमें 36 के लिए लगाने हैं दो, 36 के लिए लगाने हैं दो, थोड़ी सी गैप दी हमने एक और दो यहाँ लग गया भाई। तुम आ गए फिर से मुंह पे आ गए, तुम तो साला मुंह से हट जाओ भाई, यहाँ कहीं को खड़े हो जाओ,
ठीक है, यहाँ कहीं का खड़े हो जाओ ताकि हमें दिक्कत ना हो। हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लगा दी। अब इनमें हमने वो लगानी है, स्टील की प्लेट है। स्टील की प्लेट की रेसिपी हमने एक पे लगाई कॉपी की, और कॉपी के साथ हमने पेस्ट करनी शुरू कर दी। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से दोनों चीज़ें हो जाती हैं। कंट्रोल सी से कॉपी होती हैं, कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाएंगी। हमें सेम रेसिपी चाहिए सब में, तो हमने ये कर दी। लास्ट वाली की एक की रेसिपी आके हमें यहाँ पे चेंज करनी होगी। हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 16 चाहिए। हमने यहाँ पर 16 डाल दिए ताकि कम मटेरियल्स मांगे और अच्छे से काम करें। हमें भैया 36 ही चाहिए, 20 + 16 = 36 हो गए। यहाँ पे हमारी 36 स्टील की पाइप्स हो गए, यहाँ पे हमारी 20 20 20 20 80, ठीक है, 80 स्टील की पाइप्स हो गए। स्टील का पाइप का पार्ट हमारा पूरा हो गया, ठीक है भाई, स्टील का पाइप का पार्ट पूरा हो गया। बट एक चीज़ और करते हैं, इनकी सबकी कनेक्शन भी देते हुए चलते हैं, वरना फिर बाद में दिक्कत आएगी। ठीक है, हमने क्या किया, हमने लाए और हमने स्प्लिटर लाना भाई, ठीक है। और स्प्लिटर के लिए हमने की पे लगा रखा है, 7 पे हमने स्प्लिटर लगा रखा है, ठीक है। यहाँ से हमने लगाना शुरू किया, ठीक है, ऐसे लगाया, फिर उसके बाद ऐसे लगाया, फिर उसके बाद आई से लगाया, फिर उसके बाद आई से लगाया, फिर यहाँ आए और आने के साथ साथ यहाँ पे भी लगा दिया, ठीक है। अब इनकी कनेक्शन दे देते हैं सब। इसको कनेक्शन देने के लिए हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लिफ्ट लगा दें। लिफ्ट से क्या होगा, थोड़ी सी जगह बन जाएगी इधर उधर जाने के लिए। हम ऐसे करेंगे, 1 2 3 4 4 पे हमने ऐसे करके लिफ्ट लगाई, 1 2 3 4 4 पे हमने ऐसे करके लिफ्ट लगाई और ऐसे कर दिया। अब हमें यहाँ से नीचे से जाना वाना ईजी पड़ेगा अगर हमें जाना होगा कहीं। हमने यहाँ आके आई से करके लगाई, आई से करके लगाई और आई से करके लगा दी, ठीक है। इन सबको भी दे देते हैं, ठीक है भाई। अब क्या होगा, ये जो 180 स्टील के इंगेट्स हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से काम करेंगे। सेम तरीके से हमने यहाँ पे भी कर देना, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है भाई। तो 180 जो हमारे स्टील के इंगेट्स हैं वो इसमें जाएंगे और बहुत बढ़िया तरीके से स्प्लिट होके यहाँ काम करना शुरू हो जाएंगे। नाइस, स्टील प्लेट वाला काम हमारा हो गया है। तो गाइस, इसी के साथ मैं आपसे लेता अलविदा। नेक्स्ट एपिसोड में इसी को कंटिन्यू करेंगे। भाई हमारी मेगा फैक्ट्री बन रही है, जिसमें हैवी मॉड्यूलर फ्रेम की फैक्ट्री बन रही है। इतना सब दिमाग लगा भाई, तुम्हारे भाई ने बहुत मेहनत की है। कम से कम मुझे 1 घंटा लगा इसमें सब कुछ जानने में। इसमें एक सॉफ्टवेयर भी आता है, सैटिस्फैक्ट्री कैलकुलेटर, यूज़ करना है कर लो, बट मैं वो करता नहीं हूँ क्योंकि मेरे को अजीब सा लगता है। मैं खुद से करता हूँ भाई, एक एक कैलकुलेशन मेरी खुद से रहती है। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि खुद से करोगे तो फन आएगा, समझ आएगा गेम, और आगे जाके मदद भी मिलेगी। सो गाइस, मेरा नाम है बाबा, आप लोगों को पता है कि क्या करना है भाई, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। मैं ऐसी गेम्स रोज खेलता रहता हूँ, बढ़िया बढ़िया वीडियोस लाता रहता हूँ भाई। दिल से अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करके मुझे भी बताना और अटेंडेंस लगा के जाना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।